पूरे प्रदेश में निरंतर आप देख रहे हैं कि 9 महीने में हमने जहां 17.5% वोट हासिल किए, उसके बाद लगातार हमारे वोट में इजाफा हो रहा है। तो ये जो इजाफा है, ये जो लगातार जोश बढ़ रहा है, उसी से उत्साहित होकर के वर्करों को ये विश्वास है कि वो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे। देख रहे हैं हरियाणा उत्सव में, वो आपके साथ अरुण दून, हमारे साथ जो भूपेंद्र मलिक हैं विरोधी दल का से जेजेपी के वरिष्ठ नेता, उनके भतीजे की शादी में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला आए हुए, तो उनसे हम जानते हैं। डॉक्टर साहब, अभी ताज़ा पंचायत चुनाव का नतीजा आया, तो क्या मानते हैं जेजेपी की किस तरह की परफॉर्मेंस रही? बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही, और वो हमने सूची जारी की है हमारे कितने जिला परिषद के मेंबर चुने गए, और इसी तरह ग्राम पंचायतों के भी सरपंच चुने गए हैं, ब्लॉक समितियां चुनी गई है। दीपेंद्र हुड्डा का अभी ताज़ा बयान आया, उन्होंने चुनाव सिंबल पे तो चुनाव नहीं लड़ा था, वो पर कह रहे हैं कि कांग्रेस के बहुत ज़्यादा उम्मीदवार चुने गए हैं। अब वो जिस तरह हमने सूची जारी करी अपनी, कर दें जारी, पता लग जाएगा। बातें करने से नहीं होती, हमने तो बाकायदा सूची जारी की है कौन हमारी पार्टी के पदाधिकारी जीते हैं, कौन हमारे दूसरे आम मेंबर्स जीते हैं, हमने बाकायदा सूची जारी की है। जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए, काफ़ी जोशीले होते हैं, काफ़ी समर्पित होते हैं पार्टी के प्रति, तो उनका एक सपना है दुष्यंत चौटाला जिस तरह रिकॉर्ड तोड़ उप मुख्यमंत्री बने कम छोटी उम्र में, उसी तरह वो प्रदेश की छोटी सबसे छोटी उम्र के मुख्यमंत्री बनने का भी रिकॉर्ड स्थापित करें। कार्यकर्ताओं का अपनी भावना है, वो पूरे प्रदेश में निरंतर आप देख रहे हैं कि 9 महीने में हमने जहाँ 17.5% वोट हासिल किए, उसके बाद लगातार हमारे वोट में इजाफा हो रहा है। तो ये जो इजाफा है, ये जो लगातार जोश बढ़ रहा है, उसी से उत्साहित होकर के वर्करों को ये विश्वास है कि वो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे। सबसे युवा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बने हैं, तो 3 साल का जो कार्यकाल है उनका आप किस तरह का कार्यकाल आंकते हैं? 3 साल में 2 साल तो कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी भी थी और किसान आंदोलन भी था, उसके बावजूद भी हमने अपने 60% प्रोमिस पूरे किए हैं, और आगामी 2 वर्ष में 40% और पूरे करने का काम करें। युवाओं को रोजगार देने के लिए दुष्यंत चौटाला ने एक बहुत अच्छी पहल की है कौशल रोजगार निगम की, तो क्या मानते हैं किस तरह इसके बहुत सार्थक परिणाम आपके सामने आ रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, बच्चों को? कांग्रेस में बहुत से सीनियर नेता भी, जो प्रिय ये किरण चौधरी है, उनका ताज़ा बयान आया है मुख्यमंत्री बनने की बात वो कह रही है। देखो, हर राजनीतिक आदमी अपनी सोच से आगे बढ़ता है, हो सकता है किरण चौधरी भी इसी सोच से आगे काम कर रही हो। तो भूपेंद्र हुड्डा भी दावा करें तो 2024 में उनकी सरकार बनेगी। कह रहा हूँ ना कि सारे दावा करते हैं, दावा तो कुलदीप बिश्नोई भी करते थे, MLA भी नहीं रहे बेचारे। दावा करना एक अलग चीज़ है, पब्लिक में रिस्पॉन्स कैसा मिलता है वो एक अलग चीज़ है। प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। आपका एक बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, तो जो कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस तो धरातल में जा रही है डे बाई डे, पूरे देश में, हमारे यहाँ नहीं पूरे देश में। तो क्या मानना, हरियाणा में कांग्रेस का 2024 में कोई भविष्य नहीं है? कांग्रेस का पूरे देश में ही कोई भविष्य नहीं।